आजकल कुछ लोग जो हैं हम जैसों को, जो विज्ञान को मानते हैं, चमत्कार और अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, उनको नास्तिक कहा जाता है। तुम भगवान हनुमान को एक मूर्ख बंदर मानते हो जिसे सूर्य और फल में भी अंतर नहीं पता था, लेकिन मैं उन्हें बुद्धिमान, शास्त्रों का ज्ञाता, बलवान और श्रेष्ठ मनुष्य मानता हूँ। तो बताओ नास्तिक कौन, मैं या तुम? तुम भगवान श्री कृष्ण को छलिया, कपटी, चोर, लुटेरा, लंपट, हजारों लड़कियों को छेड़ने वाला, रास रचाने वाला, हजारों पत्नियां रखने वाला मानते हो, और मैं उन्हें ब्रह्मचारी मानता हूँ, योगेश्वर मानता हूँ, निश्चल और निष्कपट मानता हूँ, जो जीवन भर केवल एक ही स्त्री के साथ विवाह किए थे, ऐसा पत्नी व्रत श्रेष्ठ पुरुष मानता हूँ। तो बताओ नास्तिक कौन, मैं या तुम? तुम भगवान को बिना जाने आंख मूंद के मानते हो, और मैं उनके स्वरूप को जानकर उनकी उपासना करता हूँ। तो बताओ नास्तिक कौन, मैं या तुम? तुम भगवान श्री राम को अवैज्ञानिक पुरुष मानते हो, ऐसा मानते हो कि उन्होंने एक गर्भवती स्त्री को महल से निकाल दिया, और मैं उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूँ जिन्होंने जीवन भर एक श्रेष्ठ पति होने का कर्तव्य पूरा किया। तो बताओ नास्तिक कौन, मैं या तुम? तुम तो जीते जागते भगवान को भी पत्थर बना दिए हो, भगवान को छोड़ के उस निर्जीव पत्थर को भगवान मान के पूजा करते हो। मैं जो है भगवान को भगवान मानता हूँ, पत्थर को पत्थर मानता हूँ। तो बताओ नास्तिक कौन, मैं या तुम? तुम केवल जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कहते हो और उनके आदर्शों की पोटली बना के फेंक देते हो, लेकिन मैं उनके आदर्शों और प्रिंसिपल्स पर चलने का प्रयास करता हूँ। तो बताओ नास्तिक कौन, मैं या तुम? मैं उस वेद को मानता हूँ जिसे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री महादेव, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु भी मानते आए हैं, जो वेद हमेशा से है। मैं उस विज्ञान स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मानता हूँ जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है। ठीक है, सो आई एम वॉन्डरिंग इन दिस जंगल झाड़ी। जोर से लाइक को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, समाज सेवा के नाम पे शेयर कर दीजिए।